बताइए भाई साहब। अरे भज्जू आओ यहाँ आकर बैठो हमारे पास। क्या बात है, बड़े दिन से दिखाई नहीं पड़ रहे थे। अच्छा, हम दिखाई नहीं पड़ रहे थे, पर ये भाई साहब तो जैसे यही बैठे रहते थे लॉकडाउन में। इनको पुलिस वालों ने स्पेशल वाली छूट दी हुई थी क्या? फालतू वाली बात करते हैं। अरे मेरा मतलब ये था कि लॉकडाउन में ठीक ठाक तो रहे हो, कहीं कोई परेशानी तो नहीं हुई? अब इस तरह बैठ के बात करने को तो जैसे तरस ही गए थे। मोबाइल है क्या? क्या कर रहे हो? अरे मोबाइल है या नहीं है? हाँ हाँ मोबाइल है भाई। लॉकडाउन में पुलिस वाले मोबाइल तो नहीं छीन कर ले गए थे तुम्हारा? कैसी बात कर रहे हो भैया। तो और क्या कहा जाए तुमसे, मोबाइल में हमारा नंबर है, एक कॉल कर लेते और पूछ लेते कि हम कैसे हैं। अच्छा ये बताओ, कोरोना वायरस ये जो बीमारी है क्या खत्म हो गई है क्या? अरे ना भाई ना, बहुत तेजी में फैल रही है। अब क्या बोलें, 7 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव केस हो चुके हैं। तो भैया जब इतना जानते हो फिर तुम लोग ये चाय के होटल में बैठक क्यों लगाए हुए हो? तुम लोग तभी तक सुधरे रहोगे जब तक सरकार सख्ती करती है। जाओ भैया अपने अपने घर जाओ, अपने घर में चाय बनवा के पी लो। और ये देखो ना कोई मास्क लगाए है ना सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही है, बस बैठे। तो तुमने कौन सा मास्क लगाया हुआ है जो हम लोगों को प्रवचन दे रहे हो? अरे आज मैं बहुत जल्दबाजी में घर से बाहर निकल आया, नहीं तो बिना मास्क के दरवाजे के बाहर भी नहीं आता हूँ। तुम्हारी भाभी ने दरवाजे के पास ही मास्क टांग रखे हैं, आज घर जाके उनकी बातें भी सुननी पड़ेंगी। अच्छा इतनी सख्त हो गई है भाभी? सही तो कर रही है, घर में छोटा सा बच्चा है, बुजुर्ग है जिनको बीमारी जल्दी से जल्दी हो सकती है। कहती है घर आकर बाथरूम में चले जाया करिए, नहा कर ही किसी चीज को हाथ लगाया करिए, सैनिटाइजर वॉश बेसिन के पास रखे हैं, बच्चों को हिदायत देती है बार बार हाथ धोने की। भैया बीमारी से तो ऐसे ही बचा जा सकता है, मैं तो चला अपने घर। बाकी तुम लोगों की मर्जी, सुधर जाओगे तो फायदे में रहोगे। हेलो, हाँ बोलो क्या कह रही हो? अरे मैं ये कह रही हूँ कि जल्दी से घर आइए। क्यों भाई क्या हो गया? हमारे मोहल्ले में एक कोरोना पॉजिटिव केस निकल आया है, बहुत ही जल्दी एरिया सील हो जाएगा, आप भी घर आ जाइए। और पता नहीं ये बीमारी किस तरह से फैल रही होगी, अब घर से बाहर ना निकलिएगा। अच्छा अच्छा रुक जाओ मैं आता हूँ। यार वो ठीक कह रहा था, उसकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए था। ये बीमारी तो बहुत ज्यादा तेजी में फैल रही है, मैं जा रहा हूँ अपने घर। अब अगली बैठक तो हम लोग तभी लगाएंगे जब कोरोना वायरस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। हाँ यार तुम लोग सही कह रहे हो, चलो चलो घर चलते हैं अपने अपने। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।